हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है दिवाली लुक स्पेशल। आप किसी भी पार्टी ओकेजन में भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम बनारसी साड़ी के साथ ये लुक क्रिएट किया है। फुल लुक आप देख सकते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो है गाइस। सो फुल लुक कुछ इस तरह है। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही चुका होगा, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा ये लुक। गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम बनारसी साड़ी के साथ कुछ लुक क्रिएट करने की कोशिश की, बिकॉज मैंने आज तक बनारसी साड़ी अपने कोई भी ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, लेट गेट स्टार्टेड आर मेकअप ट्यूटोरियल। और साड़ी का फुल लुक आपको देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो गाइज चलिए, और गाइज प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली गाइज। एंड प्लीज नोटिफिकेशन बेल को हिट कर बिना मत जाइएगा गाइज, प्लीज प्लीज प्लीज। सो चलिए अब करते हैं हमारी वीडियो स्टार्ट। सो गाइज चलो करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ जो है वो अंदर वियर कर लिया, उसके ऊपर मैंने श्रक लिया बिकॉज थोड़ी ठंडक तो है। और मैं रात के समय ये वीडियो शूट कर रही हूँ गाइज। सबसे पहले मैं अपनी स्किन को पैम्पर करूँगी, स्किन प्रिपरेशन करूँगी। मैंने यहाँ पे टोनर यूज़ किया एज अ गुलाब जल, मैंने एज अ टोनर यूज़ किया। उसके बाद मैं हिमालय का मॉइस्चराइज़र कर रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी ड्राई स्किन ज़्यादा होने लग गई है बिकॉज ठंडक आ गई है, विंटर आ गई है। तो आप प्लीज़ अपनी स्किन को अच्छी तरह प्रेप करिए, तभी कोई भी मेकअप अप्लाई करिए। मैंने अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र लगाया भर भर के। आफ्टर गाइज मैंने यहाँ पे लिया है प्राइमर। ये मैंने सेजल कोर्स इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है मेकअप प्रोडक्ट्स का, तो मैंने वहाँ से मंगवाया था। तो ये वही है, जेल बेस्ड प्राइमर है गाइज। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, साथ ही आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। आफ्टर गाइज यहाँ पर मैंने ली है 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन। इसलिए ली है गाइज मैंने, क्योंकि दिवाली मेकअप है, फेस्टिव मेकअप लुक है। आप कहीं पर भी ओकेजनल में भी क्रिएट कर सकते हैं गाइज, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली फाउंडेशन चूज़ किया, ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद गाइज मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। ये थोड़ा सा मेरे एक स्किन टोन से एक लाइट शेड एक लाइट आया है, बट आफ्टर डैट मैं इसको जब ब्लेंड करूँगी तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अभी आप देखना आपको वाइट वाइट लग रहा है, बट वो अच्छी तरह ब्लेंड होने के बाद पूरा मेरे स्किन टोन पर मर्ज होकर एक इक्वल सी लेयर आ जाएगी। आफ्टर यहाँ पे मैंने मैक का लूज पाउडर लगाया है यहाँ पर, एज आप देख सकते हैं उसको मैंने कर ली है बेकिंग। अब मैं सबसे पहले करूँगी ब्लू हेवन का आईब्रो एनहेंसर लूँगी, और मेरी आईब्रो ऑलमोस्ट डार्क ही है, तो मैं ज़्यादा कुछ आईब्रो के साथ छेड़छाड़ नहीं करती हूँ गाइज। सो मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ कर ली है फिल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कलर्स का, जो मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम का एक अकाउंट होल्डर है, मैंने वहीं से कलर पैलेट मंगाई थी। बुक आई शेडो है गाइज, यहाँ से मैंने एक आईज़ का क्रिएट कर लिया है राइट एंड साइड का। अब लेफ्ट का मैं आपको करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लिया है, और उसको अपने आउटर कॉर्नर पे लेकर टियर डक तक मैं उसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी, नॉट ज़्यादा, बट मैं लाइट सा शेड लूँगी एज अ ट्रांजिशन। उसके बाद गाइस मैंने थोड़ा सा ब्राउन सा शेड लिया, और उसको भी अच्छी तरह पहले आउटर कॉर्नर पे, आउटर वी पे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं उसको इनर तक अच्छी तरह ले आई हूँ लाइक दिस, आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस ये मैंने शिमर पैलेट मंगाई थी, ये मैंने शायद मव्या कलेक्शन से मंगाई थी, इंस्टाग्राम का अकाउंट है उनका भी मेकअप प्रोडक्ट्स का, तो वहाँ से मंगाई थी। मैंने सिर्फ कट क्रीज पर ये करा है, मैंने कोई कट क्रीज कंसीलर से नहीं की थी, डायरेक्टली अप्लाई किया है। यहाँ पर गाइस मैंने ये स्केच लाइनर लाई थी जब मैंने स्टिच शॉपिंग की थी, वहाँ से लाई थी गाइज मैं। सो ये मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया, विंग लाइनर अप्लाई किया गाइज। आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया है मैक का। सो गाइज मैंने नीचे थोड़ा सा अपना शेड दिया है वाटर लाइन के आसपास, और मैंने ब्राउन बोन को हाईलाइट कर लिया है। बेकिंग मेरी हो चुकी है, मैंने शेड दिया है नीचे जो दिया है पिंक और पर्पल और ब्राउन का मिक्सचर दिया है। अब यहाँ पर मैं कंटोरिंग कर लूँगी, क्रीम कंटोरिंग करूँगी मैं NYBAKE की कंटोर लिपस्टिक स्टिक से, ब्राउन शेड है गाइज, इससे कंटोरिंग करूँगी नोज़ की और साथ में चिक्स की, साथ में फोरहेड की। मेरा फोरहेड यार ऑलरेडी बहुत छोटा है, बट मैं ज़्यादा नहीं करती, तो आज मैंने सोचा चलो कर लेते हैं अच्छा सा लुक दो। उसके बाद मैं ब्राउनजर लूँगी ताकि पाउडर सेटिंग भी हो जाए, क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है गाइज। हल्का हल्का सा ब्राउनजर अप्लाई किया है, कंटोरिंग मेरे ऑलमोस्ट फेस की हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसी 4-in-1 SFR के पैलेट है गाइज, इसमें से हल्का हल्का सा ब्लशर लिया, डार्क नहीं लिया गाइज, मैंने लाइट सा लाइट पी शेड में ब्लशर लिया है। उसके बाद गाइज मैंने थोड़ी सी बेकिंग की थी फेस पाउडर से, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया है। ये आई थिंक सो SFR का ही है या फिर स्विस ब्यूटी का है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप चेकआउट कर लीजिए गाइज। यहाँ पे मैं आप सबसे पहले लैशेस अप्लाई करूँगी हुड्डा की। आपको लैश ग्रू लेनी है, उसको मतलब एक बार लगा के देखना, अगर वो आपके आइज पर डायरेक्टली आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप आउटर और इन बाहर के आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर से नहीं आप उसको कट कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ग्लू आपको 60 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए छोड़नी है कि वो सूख जाए। उसके बाद मेरी लैशेस हो चुके हैं यहाँ पे अप्लाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पेस्ट कर रही हूँ अच्छी तरह, ताकि वो अच्छी तरह हो जाए और मेरा लुक हो गया कंप्लीट।
सो गाइज आप देख सकते हैं मेरा जो मेकअप लुक है वो पूरा हो चुका है, डन। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। वेट, और आई लैशेज मैंने लगा ली हैं एंड हेयर इज माई फुल लुक। आप लोग सोच रहे हो कि गाइज मैंने पर्पल क्यों मतलब शेड लगाया, बट ये मेरे पे अच्छा लग रहा है। और मैंने नीचे का ना थोड़ा सा टोन भी पर्पल और पिंक और ब्राउनिश में दिया है, डेट्स वाई, क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो ऐसे ही है। तो चलो फटाफट मैं करती हूँ अपनी साड़ी, आपको दिखा देती हूँ। गाइज आज जो मैं साड़ी वियर करने वाली हूँ वो है बनारसी साड़ी है। गाइज आप देख सकते हैं बनारसी लुक है। मैंने ब्लाउज अंदर इसका पहना हुआ है एंड साड़ी कुछ ऐसे पूरा प्लेन है। इस पर प्रिंटेड बॉर्डर है गाइज, एज यू कैन सी पूरी प्लेन है, बनारसी साड़ी है। सो गाइज चलो अब ये फटाफट से साड़ी मैं करती हूँ वियर और फिर थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाते हुए आपके साथ करती हूँ लुक को शेयर। सो गाइज चलो फटाफट से मैं अपनी साड़ी कर लेती हूँ वियर और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज मैं अपनी साड़ी वियर करके आ चुकी हूँ, अभी मैं आपको इसका फुल लुक दिखाऊंगी, बट इससे पहले मैं कर लेती हूँ इयररिंग्स वियर। मैं साड़ी के मैचिंग के इयररिंग्स लाई थी, आपने मेरा शायद लास्ट टू लास्ट एक दो व्लॉग्स पहले का व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने स्ट्रीट शॉपिंग का व्लॉग डाला था जिसमें मैंने येलो फूड चैलेंज भी किया था। तो तब मैं ये वाले इयररिंग्स लेकर आई थी, थोड़े बहुत मेरे को लग रहे थे मेरे आउटफिट के साथ मैच हो रहे हैं, डेट्स वाई मैंने इसको परचेज किया था। चलो पहनते हैं और देखते हैं फुल लुक। ये मेरे पूरे आउटफिट के साथ फुल मैच हो रहे हैं। अब गाइस मैं कर लेती हूँ कॉम और पर, मैं उससे पहले आपको दिखा देती हूँ अपना फुल लुक कुछ इस तरह का है गाइज। अगर आपको मेरा मतलब गाइज मैंने ना थोड़ा सा ना गोल्डन आइज देने की कोशिश की, थोड़ा सा ब्राउनिश और गोल्डन में लिप कलर जो है गाइज वो मैंने अपनी साड़ी के मैचिंग का देने की ट्राई किया है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा लिप शेड बहुत अच्छा सा। मैंने ना इस पर लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने ना सिर्फ लिप लाइनर ही यूज किया था गाइज। अब चलो कर लेते हैं थोड़ा सा इस हेयर स्टाइल। सो चलो गाइज अब कर लेते हैं हेयर। मैं सेंटर पार्टीशन यहाँ पे निकाल रही हूँ, उसके बाद मैंने फ्रंट से दो फ्लिक्स निकाली हैं, फ्रंट की लेयर थोड़े से हेयर्स लिए हैं, उसको ट्विस्ट करके देन सिक्योर कर लिया विद द हेल्प ऑफ टिकटैक पिन। देन मैंने दोबारा कान के पास से एक लेयर ली है, उसको भी ट्विस्ट करके मैंने सिक्योर कर लूँगी टिकटैक पिन, और यही मैं सेम राइट साइड पर करूँगी। एंड हेयर इज़ माई सिंपल इजी एंड हेयर स्टाइल इज़ going ready। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपना हेयर स्टाइल मेकअप एंड आउटफिट फुल कंप्लीट कर लिया है। ये है मेरा फुल लुक दिवाली का। मैंने फर्स्ट टाइम बनारसी साड़ी को लेके कुछ लुक क्रिएट किया है, आप आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज मैंने अपने हेयर्स के साथ कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, जस्ट ट्विस्ट के हेयर्स एंड जस्ट दो फ्लिक्स निकाली है जो एज इंडियन में होती है। आगे की फ्लिक्स ना होना गाइज लुक कंप्लीट ही नहीं लगता यार। सो आई होप आपको मेरा लुक पसंद आ रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है, सिंपल सोबर सा लुक है। मैंने सिर्फ इयररिंग्स पहने, मैंने नेक में कुछ नहीं पहना, बिकॉज इयररिंग्स हैवी हो तो नेक में नहीं पहनना चाहिए। सो ये है मेरा फुल लुक और आप साड़ी का फुल लुक भी देख सकते हैं, बनारसी साड़ी है गाइज, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा गाइज। सो गाइज आप एक नज़र डाल लीजिए मेरे फुल मेकअप लुक पे, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। गाइज अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, आपको मेरा फुल लुक पसंद आया हो, तो प्लीज गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।